गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मल्टी टैलेंटेड। सो आज हम बना रहे हैं, आज जैसा कि आपको पता है कि आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो आज हम बना रहे हैं व्रत का खाना। तो व्रत के खाने में हम बनाएंगे दो सब्जी, सूखे आलू और रसे के आलू, और व्रत में जो खाई जाती है वाली पूड़ी सिंगाड़े के आटे की। तो आइए देखते हैं क्या क्या डलता है इसमें। हे गाइस, तो हमने ये दो हरी मिर्च, उबले हुए आलू लिए हैं, दो बड़े जिनको हमने कट कर लिया है। उसके अंदर हमने डाला है आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच नमक, वो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और एक हरी मिर्च। और इसको हम बनाएंगे जीरे में, और इसके अंदर हमने डाली है आधी चम्मच छोटी काली मिर्च। सो गाइस, हमने इसके अंदर एक चम्मच देसी घी डाला है, अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच जीरा। जीरे को गर्म होने देंगे, तड़कने देंगे जीरे को थोड़ा, और इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। ये हमारे जो आलू हमने बनाया है ये इसके अंदर हम डाल देंगे जीरे के तड़कते ही। तो गाइस, हमने इसके अंदर उबले हुए आलू और सब मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब इसको दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे, एक दो मिनट के लिए भूनेंगे इसको, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सूखे आलू बन के रेडी हैं, तब हम इसे निकाल लेंगे। गाइस, अब हम तरी वाले आलू बना रहे हैं। तो हमने उबले हुए चार आलू लिए हैं, जिन्हें हमने फोड़ लिया है। देसी घी, अब दो टेबल स्पून घी डाला है हमने कढ़ाई में। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा, जीरे को तड़कने देंगे, अच्छे से चलाएंगे। गाइस, अब इसके अंदर डाल रहे हैं मसाले, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। तो गाइस, हमने इसमें चार हरी मिर्च डाली हैं, काली मिर्च, और हमने अब हम इस मसाले को भूनेंगे अच्छे से जब तक कि तेल सरफेस पर ना आ जाए। गाइस, हम ये सारा खाना देसी घी में बना रहे हैं क्योंकि ये व्रत का है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। गाइस, मसाले के ऊपर घी आ गया है, अब हम इसके अंदर ये मैश किए हुए आलू डाल रहे हैं। पानी ऐड करेंगे, गाइस हम यहाँ पे चार लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखेंगे। आप अपने फैमिली के हिसाब से पानी की और आलू की क्वांटिटी रख सकते हैं। दो गिलास। गाइस, हम सब्जी में पानी ऐड कर दिया है, अब हम सब्जी में बॉईल आने देंगे। तो गाइस, सब्जी में बॉईल आ चुका है, अब इसको मध्यम आंच पर ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। सब्जी बनके रेडी है, अब हम इसमें धनिया डालकर सब्जी को सर्व करेंगे। देखिए सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। सो गाइस, ये कूटू और सिंगाड़े का आटा लिया है हमने 250 ग्राम, और ये हमने लिए हैं दो आलू हाफ हाफ पीस में कटे हुए। हम इनको अच्छे से मैश करके आटे में मिला देंगे, और फिर हम आटे का डो तैयार करेंगे। और गाइस, ये हमने आलू को मैश कर लिया है और इसमें नमक मिर्च डाल के, अब हम इसको ये वो स्टफिंग है जो हम पूड़ी के अंदर भर के उसे फिर बेलेंगे और बनाएंगे। तो गाइस, ये कूटू सिंगाड़े का आटा है जिसके अंदर हमने दो उबले हुए आलू मैश करके मिला दिए हैं, अब इस आटे का डो तैयार करेंगे। सो गाइस, ये हमारे आटे का डो रेडी है, अब हम सूखे आटे की मदद से पूड़ी को बेलेंगे। और गाइस, एक तरफ कढ़ाई रखेंगे गैस पर, कढ़ाई में डालेंगे दो बड़े चम्मच घी, और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम पूड़ी बेलकर रेडी करेंगे। गाइस, आटे में से छोटा सा पेड़ा निकालेंगे तोड़ के, अब उसके अंदर हम छोटी सी कटोरी बनाएंगे, और कटोरी बनाकर हम ये स्टफिंग उसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, ये स्टफिंग हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, अब इसे बंद कर देंगे। अब इसे सूखे आटे की मदद से बेलेंगे। पूड़ी को बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है गाइस, क्योंकि अगर हम ज़रा सा ज़्यादा भी इसे प्रेस करेंगे तो इसका जो आलू है वो बाहर आ जाएगा और पूड़ी फट जाएगी।
एकदम हल्के हल्के हाथों से पूरी को बेलकर तैयार करें। गाइस घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें पूरी डाल देंगे और पूरी को अच्छे से सिकने देंगे। तो गाइस पूरी को हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे। तो गाइस अब पूरी को थोड़ी देर बाद पलट देंगे, देखिए जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो गाइस थोड़ी देर हम इसे और सेकेंगे जब तक पूरी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए गाइस पूरी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है इस पर, बहुत प्यारा। तो गाइस पूरी सिक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी पूरी दोनों तरफ से सिक चुकी है अच्छे से, देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन है और ये एकदम मुलायम है, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बना बना के रेडी करेंगे। सो गाइस तैयार है हमारा व्रत का सादा और स्वादिष्ट खाना। गाइस ये खीरे का रायता है जिसमें हमने सिवाय नमक मिर्च के और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ये व्रत का खाना है। सो गाइस आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए। सो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।